नमस्कार दोस्तों, आप सभी राजस्थानी भजन प्रेमी मित्रों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं हूं प्रेम और आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि राजस्थानी भजनों के लिए, देसी भजनों के लिए हारमोनियम का जो उतार चढ़ाव है उसको कैसे अपने को बजाना है। कुछ ऐसे पैटर्न मैं आपको बताऊँगा जिससे बिल्कुल आपके आसानी से समझ में आ जाएगा कि हारमोनियम पर जो उतार चढ़ाव है उसका, उसको अपने को कैसे बजाना है। देसी अंदाज में बताऊंगा, देसी तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो वीडियो को अंत तक देखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। दो तीन स्केल है जो राजस्थानी भजनों के, ज़्यादातर जो राजस्थानी भजन जिन स्केल में चलते हैं उन स्केल में मैं आपको हारमोनियम पे उतार चढ़ाव कैसे बजाना है, अपने हाथ का जो मोड़ है वो कैसे लेना है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, साथ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं स्केल बजाऊँगा सारे मापा दासा, यानी यहाँ से तीसरी काली से मैं बता रहा हूँ आपको, और आपको अपने स्केल में बजाना है, प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जैसे आप अपना सा पकड़ रहे हैं चौथी काली से या तीसरी काली से, जहाँ से भी, वहाँ से आपको पीछे का ये पा पकड़ना साथ में, ये दबी है। ये आवाज आनी चाहिए बिल्कुल क्लियर। अब आप किसी भी सुर को सा मान रहे हो, मान रही है, तो सा और पा, यानी ये पीछे का पा, मंद्र का पा, ठीक है, ये पकड़ना आना चाहिए अपने को। ये देखो, ये इसी पैटर्न के साथ में सा पा सा ऊपर का, ये सा पा सा, ये देखो, तो ये सा पा सा और सा पा। अब देखो, ये पा है, आप किसी भी बटन को सा मान रहे हो, उसके पीछे वाला पांचवा, ये देखो, जैसे मैंने इसको सा माना तो 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखना पीछे का पांचवा बटन पा, ये देखो। अपने को ध्यान ये रखना, जैसे अपन इसको तीसरी काली को सा मान रहे हैं, यहां से बजा रहे हैं इसे, तो सा पे आती सा पा साथ में आ जानी है। यानी सा पा सा और पा का इसका ध्यान रखना। अब दोस्तों, इसका जो उतार चढ़ाव है वो अपन सीख लेते हैं, तो उसको मैं बता रहा हूं आपको। पहला स्केल है सारे मापादा सा वाला, यहां से। अब दोस्तों, जब अपन इस भजन गाते हैं सारे मापादा सा में, तो भजन गाएंगे तो ये धा का प्रयोग होता है, लेकिन जब आप ट्यूनिंग ले रहे हैं या हारमोनियम का उतार चढ़ाव ले रहे हैं तो इसमें आपको ये कोमल जो नी है उसको प्रयोग में लेना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपन भजन गाएंगे तो यहाँ ये जो धा है ये लग रहा है, ये अब देखना कैसे लगेगा, ये देखो, ये अब मान लीजिए दोस्तों, अपन बजाते यहाँ आगे बजाते बजाते, अब दोस्तों उतार चढ़ाव सेम का सेम पैटर्न में पूरे स्केल में चलेगा, ध्यान देना आप, देखना। जैसे अपन यहाँ सा है और इस सा पे अपने को आना, तो सेम पैटर्न चलेगा सारे बटन पे, देखना स्केल में। अब ये कोमल नहीं आपको प्रयोग में लेना, देखो, ये मैंने पैटर्न डबल बार में बजाया और सेम का सेम पैटर्न सभी बटन पे चल रहा, देखना। यानी
यानी एक बटन को मैं छोड़ रहा हूँ और दो दो बार में इसे दबा रहा हूँ, ध्यान देना देखना। अब इसको स्पीड में बजाएंगे, देखो आवाज कैसी आ जाएगी। इस तरीके की आवाज बनेगी। अब दोस्तों अगला एक पैटर्न है, देखो ये इस पैटर्न में भी सेम बटन लगा, सेम पैटर्न चल रहा, देखो। अब इसको अपन स्पीड में बजाएंगे, देखो आवाज ऐसी हो जाएगी। अब एक पैटर्न देखो दोस्तों, जैसे अपन रे पे आ गए यहां, तो देखो इस तरीके से, जैसे देखो मैं एक एक बटन छोड़ा तो सब में एक एक बटन छूटेगा, देखना। इस तरीके से ये चलेगा बिल्कुल आसानी से। अब दोस्तों स्केल अगला देख लेते हैं, सारे का पादा सा वाला ये। सेम का सेम पैटर्न लगाना, देखो। स्पीड में बजाएंगे इसको, देखो कैसे आवाज आई। इस तरीके से ये बनेगा, ये देखो वापस देख। अब दोस्तों स्केल तीसरा ले लेते हैं, सा कोमल गा मा पा कोमल नी और सा, ये वाला स्केल।
दोस्तों किसी भी बटन से, हर प्रत्येक बटन से आप सारे गमा, और ये जो स्केल में बता रहा हूँ ये बजाना सीखे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा।